वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डिटेक यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग J8 इन्फाइनिटी का। ये मोबाइल कैसा है, इसका प्रोस कॉन क्या है, इसका कैमरा कैसा है, इसका फिंगरप्रिंट कैसा है, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखते रहिए। इसका बॉक्स प्राइस है 19,990 पर जो प्राइस में ये लॉन्च हुआ है वो है 18,990। ये जो मोबाइल आया है ये 64 GB के साथ आ रहा है और आप देख सकते हो कि ये 64 GB का एक टैग लगाया गया है और इसका बॉक्स पे पिच में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ये रियर और ड्यूल रियर कैमरा भी इसके साथ आता है और इसके 4 GB रैम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन सिम कार्ड ऑनली यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अगर आप बाहर में हो तो इसे यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो इसके पहले इसका बॉक्स जो पैकिंग रहता है इसे हटा देता हूँ। ये है मेरा मेन कॉन्टेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये है सैमसंग J8 और ये है उसका थोड़ा सा जो वारंटी कार्ड वगैरह रहता है और उसका जो पेपर वर्क और इसका सार वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम है। तो ये आपके हेल्थ के लिए भी आपका सेफ्टी है और सार वैल्यू है इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले वेट कर लीजिए। और ये है इसका डेटा केबल और ये है नॉर्मल सा चार्जर। फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है, ओनली 5 वोल्ट और 1.5 एम्पीयर पे दिया हुआ है। और ये बेसिक सा जो हेडफोन सैमसंग के बॉक्स में आता है वही बेसिक सा हेडफोन है। ये भी आप देख सकते हो कि ये सिम इजेक्टर टूल है और ये है हमारा मेन कंटेंट। ये एक फुल एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और इसका जो पिक्सल है उसका रिजोल्यूशन है 1480x720 पिक्सल के साथ आता है। ये मोबाइल को हाथ में लेने पे एक प्रीमियम लुक लगता है और इसका जो थोड़ा बहुत सेक्शन है वो देखे थे इसके नीच में है और इस चार्जर और इसके साइड में 3.5 इंच का जो माइक्रोफोन का जो हेडफोन का जैक होता है वही है। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि पावर अनलॉक बटन है, लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि वॉल्यूम लो का बटन है। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है एक डेडिकेटेड स्लॉट सिम कार्ड और यह पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप एक साथ 2 सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि डुअल LED कैमरा के साथ आता है इस मोबाइल और एक फ्लैश है यहाँ पे और इसके जो अपर्चर है कैमरा का वो है f/1.7 and 1.9। मोबाइल आता है स्नैपड्रैगन 450 के साथ। अगर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 636 मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता, बट मुझे लगता है कि सैमसंग ने इसके ऊपर काम किया होगा और इसलिए स्नैपड्रैगन 450 में इसका सेट अब फुली ऑप्टिमाइज चल सकता है तो इसलिए शायद दिया होगा। तो मेरा मोबाइल आप बूट हो गया तो यहाँ पे देख सकते हो और इसका OS वर्सन क्या है ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसके पहले आपको सेटिंग्स पे आना होगा। यहाँ पे जाके अबाउट फोन पे अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे OS आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप आउट ऑफ बॉक्स ऑडियो आपको मिल रहा है 8.0 के साथ और इसका जो सैमसंग का सॉफ्टवेयर वर्सन है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो स्टोरेज है 64 GB स्टोरेज में आपको लगभग 50.7 GB फ्री मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रैम 4 GB के अंदर 1.5 GB ऑनली यूज हुआ है बट 1.9 GB आपको पूरा फ्री मिल रहा है यूज करने के लिए, तो एक बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है जिसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो बट सभी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। पर अमेज़न का भी एप्लीकेशन है इससे भी आप अगर चाहते हो तो इसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है बट इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो, बट ये भी आपके मोबाइल पे जरूरी होता है कभी कभी। और एक्सेल आजकल तो बहुत सारे काम और एक्सेल भी होता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है। तो फिंगरप्रिंट जहाँ पे लगाया गया है वो बहुत ऊपर है तो और कैमरा के ठीक नीचे है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ कैमरे में चला जाए और तो वो धुंधला सा हो जाए, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो और बट ये फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है बट फास्ट है। तो इसका जो बैक पैनल है वो पूरा प्लास्टिक का बनाया गया है, तो ये मेटल यहाँ पे नहीं दिया गया है और ये पूरा प्लास्टिक का है और इसका साइड भी ये भी प्लास्टिक का है। तो आपको धीरे से सावधानी से आपको इसे यूज करना है क्योंकि इसे टूटने का डर रहता है। ये मोबाइल यूज करने के बाद मुझे लगा कि इसका कैमरा जो है वो बहुत बढ़िया है और मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो इसके कैमरा के ऊपर बनाऊंगा और इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा होगा इसके बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए।